पहले हम अपने हाथ धोएंगे। ये गरम पानी है। हम पालक को भी अच्छे से धोएंगे। फिर हम इसे हॉट वाटर में डाल देंगे और गैस का ओवन चालू करेंगे। थोड़ी देर जब ये पक जाए, फिर इसे हम कोल्ड वाटर में रखेंगे। ये ठंडा पानी है। फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। हम इसे ग्राइंडर में डालेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे। फिर हम इसका बटन प्रेस करके रखेंगे। अब हो गया। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। हम अभी इसे साइड में रख देंगे। अच्छे से मिलाएंगे। ये पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें राइस डाल देंगे। पहले हम इसे अच्छे से धोएंगे। फिर हम इसे इसमें डाल देंगे। हम फिर गैस के बटन को चालू करेंगे। इसे हम लो क्वालिटी में रखेंगे। अब हमें रोटियां बनानी है। हम पहले आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। फिर हम इसकी रोटियां बनाना शुरू करेंगे। देखिए ऐसे। अब हम इसे गैस में रख देंगे और हम बटन चालू करेंगे।
फिर हम इसे उठाकर दूसरी जगह पे रख देंगे। हम ऐसे ही रोटी बनाएंगे।